बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत है, उनकी भूमिकाएं गलत हैं। उनके जो यादव हैं कास्ट के, वो उनके प्रमुख वोट हैं, वो ऐसा नहीं है। देश बदल रहा है, बदल चुका है, वो इस भूल में नहीं। उनमें इतना स्ट्रिक्टपन नहीं था कि नहीं हम तुमने दो मारा हम चार मारेंगे, ये कहने की क्षमता ही तुम्हारी, ये कहने की क्षमता किसमें है? ये है तो भाजपा में। अच्छा, क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी तुरंत दो मारे चार मारो, गिरा दो एकदम, शूट करो, नहीं छोड़िए उनको सालों को। तो ये है नीत। लेकिन मैं आज एक दादा हमारे साथ मिल गए, और दादा अभी बताएंगे इनका नाम क्या है, क्योंकि थोड़ी सी इनकी बातें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने कहा दादा के इंटरव्यू बनता है। दादा आपका स्वागत है। सबसे पहले जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ यादव है। बैजनाथ यादव जी हाँ। दादा ये बताइए कि आप बैजनाथ यादव हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका होना है? इस बार माहौल जो है भाजपा के पक्ष में ही रहेगा 100%। क्यों भाजपा दादा? देखिए भाजपा बहुत कुछ चीजें किसानों को दे रही है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है, जिससे हमारे खाद बीज बेचार में काम आता पैसा है। दूसरी बात, गरीब और विधवा विधवा जो स्त्रियां हैं उनको पेंशन भी सुचारू रूप से मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी को आप चाह रहे हैं, आप यादव हैं, आप अखिलेश यादव से नाराज, अखिलेश यादव के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं भाई? अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव उनके प्रमुख वोटर हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं, अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत है, उनकी भूमिकाएं गलत है। उनके जो यादव हैं कास्ट के, वो उनके प्रमुख वोट हैं, वो ऐसा नहीं है। देश बदल रहा है, बदल चुका है, वो इस भूल में ना रहे। देखिए आदमी देखता है स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी एकदम, बिल्कुल वो पसंद कर रहा है। वो चीज भाजपा में दिखाई पड़ रही है फर्स्ट एंड लास्ट। अखिलेश में क्यों नहीं? अखिलेश में वो चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या दिक्कत है अखिलेश? वो उतनी कैपेबलता नहीं है उनमें राजनीति करने की, उतनी जो परिपक्व काबिलियत होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती है। वो हिंदू है, मुसलमान है, ये है वो है, ये सब क्या है राजनीति? ये कौन करता है? ये तो अखिलेश करते, भाजपा करती है। आप कर अखिलेश कर, भाजपा नहीं कर। भाजपा में मैंने तो आज तक एक भी शब्द जातिवादी कौमवादी नहीं सुना है। ये हमने समाजवादी में जरूर सुना है। समाजवादी में क्या होता है? अखिलेश क्या कहते हैं? अखिलेश कहते हैं बस हिंदू मेरा वो है, फर्स्ट एंड मौके पे हमारा मुस्लिम है, मुस्लिम ही बाहुल वोट है, उससे हम सरकार बना लेते हैं और हमारा विजय हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं कहीं। यादव भी फूट के भाजपा में आ रहा है, भाजपा में अच्छे खासी उसके साथ आ रहा है, टूट जाएगी सपा यहाँ से, टूटेगी फिर। आप बीजेपी में कब आए? बीजेपी समर्थक कब से बने? 10 साल हो गया लगभग। अच्छा 10 साल से जी हाँ। इससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले हम सपा में थे। अच्छा सपा में थे जी हाँ। सपा क्यों छोड़ी आपने? सपा हमने इसलिए छोड़ा कि सपा चल रही थी लेकिन बीच में सरकार भी टूटी हो और हमारे लोगों के मत से ही टूटी। और अच्छा यादव के मत से? जी हाँ जी हाँ, नहीं पसंद आया उनको, नहीं पसंद आया। यादव ही नाराज है से? आजम खान सर्वोत्तम है और एक अपनी जात का कोई ऐसा लीडर हो वो उनके लिए पसंद नहीं है। मतलब किस जात का हो? हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, कोई भी हो, वो उनको पसंद नहीं आया। ये उनको कौन पसंद आया था? वो आजम खान। आजम खान उनके भाई, दादे, चाचे, भतीजे, वो पसंद आ रहे थे। सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया उन्होंने, तोड़ फोड़ करके न्यू में भरवा दिया मशीनरियों को। ऐसा क्यों है राजनीति? अखिलेश सबसे तक काम तो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। हाँ कार्यकाल में उन्होंने किया, लेकिन बीच में वंश परिवार लेकर के चले, उसमें सर्व सत्यानाश हो गया सब। आप नाराज क्यों हो गया? याद हो गया, आप धोखा दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कर्तव्यनिष्ठ सरकार जो फर्स्ट एंड लास्ट शुरू से आखिरी तक बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत खड़ी रहे, गरीबों के हित के लिए काम करे, नाटकबाजी ना हो, जो बात कही जाए वो पूरा की जाए, प्रतिज्ञा के साथ कसम लेकर। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन एक हो गया है? आपके 12 बंकी भी गठबंधन है, तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल कुछ बदलेगा कि नहीं? धराशायी होंगे, वोट प्रतिशत में बदलाव होगा, परंतु धराशायी सपाई और ये जो है मिलकर के गठबंधन धराशायी होगा। 12 बंकी में क्या होने वाला है? 12 बंकी में भाजपा सरकार बनेगी फिर बनेगी। मोदी जी ने इतना दे दिया है कि सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी, सरकार महंगाई है, हमारे यहाँ कोई महंगाई महसूस नहीं हो रही है, कोई बेरोजगारी महसूस नहीं हो रही है, लोग जो मेहनत, किसान परेशान है सरकार में? नहीं, कोई किसान परेशान नहीं, हम भी किसान है ना, हम तो बराबर करें, हमें सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। डीएपी महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, कोई चीज महंगी नहीं है, सब अपने लेवल में चल रही है। अच्छा, कोई चीज महंगी नहीं है, जो कहते हैं खाद महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, कुछ भी महंगा नहीं है, सब अपने लेवल पे बराबर चल रहा है, और इतना चाहिए। जो चीज हम पैदा
नहीं करेंगे, वो हमको 2 रुपये महंगी तो मिलेगी, अरहर है, अरहर हम नहीं बो पाते हैं, अब उससे लीलगा की परेशानी है, खा जाते फसल को हमारी, तो हम चाहते हैं कि आगे चल के सरकार से मांग की जाए कि लीलगाहों पे प्रतिबंध किया जाए। अच्छा, किया जाए, किया जाए। अच्छा दादा, आप समझ नहीं आया, पहले सपा में थे जी, सरकार मोदी की जैसे आई आप भाजपा में आ गए, तो आप तो पलटूबाज हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, आदमी हमेशा सत्यनिष्ठ पे चलना चाहता है। हम 10 साल पहले भाजपा के और पहले देखते थे कि हमारे बॉर्डरों पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे फौजियों को मारा जाता था। तब वो सरकारें पिछली जो थी कहती थी भाई चलो समझौता कर लेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे। उनमें इतना स्ट्रिक्टपन नहीं था कि नहीं हम तुमने 2 मारा हम 4 मारेंगे। हाँ। ये कहने की क्षमता ही तुम्हारी, ये कहने की क्षमता किसमें है? ये है तो भाजपा में। अच्छा, क्या कहती है भाजपा? नरेंद्र मोदी तुरंत 2 मारे 4 मारो, गिरा दो एकदम, शूट करो। अच्छा। नहीं छोड़िए उनको सालों को। हाँ। तो ये है नीत। हाँ। इसको नीत करके उसके पूरी जो कंपनी लगी नरेंद्र मोदी जी को इस बार डिफीट कराने, मतलब हराने में क्या लग रहा है? हराने में तो बहुत मुश्किल है भाई, हम नहीं मानते इस चीज को, सरकार फिर मोदी की ही बनेगी। अच्छा, अखिलेश और मोदी में अंतर क्या है? देखिए, मोदी जो है परिपक्व दिमाग आदमी है। हाँ। अभी अखिलेश जो है कच्चे दिमाग के हैं। अच्छा। डिसीजन नहीं ले सकते, मन चाह डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों, इनके ऊपर दबाव किसका है? दबाव किसी का नहीं है। लेकिन हर चीज पाने के लिए एक उम्र होती है। हाँ। नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल परिपक्व रूप से है। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बच्चा है मान के चलिए आप। क्या है वो, अगर एक उसको मिर्च का पेड़ दिखाया जाए और उसमें लाल मिर्च लगा हो पका हुआ, उसको पूछा जाए भैया ये मिर्चा की खेती है, राहुल जी से पूछा जाए भैया खेती कैसी है, हाँ ये खेती बड़ी अच्छी है, ऐसे ही आप लाल मिर्च की ही खेती करो। हाँ। तो लाल मिर्च पहले हरी हरी खेती होती है, हरा मिर्च होता है। हाँ। उसके बाद पक के तैयार होता है। हाँ। तो वो बाबला जैसा है। हाँ। उसमें इतना बुद्धि का विकास ही नहीं है। हाँ। और उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, उम्र कुछ भी ज्यादा हो गई, लेकिन अभी उसकी उम्र बिल्कुल कच्ची है। हाँ। वो राहुल से भी 3रे नंबर पे है। अच्छा, ये मान के चलिए आप। 12 बंकी में गठबंधन हुआ है। गठबंधन में बता रहे हैं पीएल पुनिया जी वरिष्ठ नेता है, अपने बच्चे के साथ सपा भी यहाँ पर जो है मजबूत है, यादव लोग भी सपा के साथ जुड़े हुए हैं। अगली बार पहले जब चुनाव लड़ा था पीएल पुनिया ने, तो हमें लोगों ने 4 उनका वो किया था। हाँ। कि इस बार पीएल पुनिया को चुना जाए। हाँ। सांसद बन के चले गए, चुन गए। हाँ। चुन गए, चलाया। लेकिन जाने के बाद फिर विशेष ध्यान नहीं दिया यहाँ पर कुछ। हाँ। तो उसका खामियाजा तो बच्चों को भोगना पड़ा। हाँ। बच्चा भी खड़ा हुआ हारा। हाँ। फिर बार में खड़ा है अभी। हाँ। क्या होगा? लेकिन रिजल्ट बहुत खराब होगा। आप धोखा दे रहे हो सपा का। नहीं नहीं, कभी नहीं, हम धोखा देने वाले नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल परपक बात करते हैं। यादव आ रहा है भाजपा में? नहीं, यादव भाजपा में आ रहा है। हाँ, किस लिए? क्योंकि उसको सारी चीजें मुहैया हो रही हैं। हाँ। राशन पानी हर चीज के लिए, ना लड़ाई ना झगड़ा, कोई बवाल नहीं है। इनका कहना है कि 10 साल पहले जो है जब सपा में थे। हाँ जी हाँ, लेकिन भाजपा की सरकार है, या भाजपा की सरकार से खुश हुई जी? बिल्कुल, आने के बाद हमें नींद अच्छी आने लगी। अच्छा, नींद अच्छी आने लगी भाजपा की सरकार आने के बाद? नींद अच्छी आने लगी। क्यों? कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो ये मतलब दादा थे। इस बार इनका कहना कि 12 बंकिम भाई भाजपा आने वाली है।